अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां कमीशन वाली चिट्ठी पर कोहराम मचा हुआ है। निशाने पर शिवराज सरकार है। इल्जाम है ठेकों में 50% की कटिंग का। सियासी एंगल से देखें तो ये कांग्रेस का कर्नाटक सीजन 2 है। वहां बीजेपी पर 40% की कमीशन खोरी का इल्जाम लगा। बीजेपी के बसवराज बोम्मई पर पे सीएम का ठप्पा लगा। कर्नाटक में तो कांग्रेस कामयाब रही, मगर क्या वो मध्य प्रदेश में भी कामयाब होगी? कांग्रेस के वार पर पलटवार करती बीजेपी ने धड़ाधड़ एफआईआर कराने शुरू कर दिए। एफआईआर में प्रियंका गांधी का भी नाम है, जिन्होंने इस लेटर को अपने ट्वीट करा के वायरल किया। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस लेटर को ट्वीट किया, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी शामिल है। प्रियंका गांधी वाड्रा के इसी ट्वीट के बाद जब उन पर एफआईआर दर्ज हुई तो इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे गलत करार दिया, राजनीति करार दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोलती है। तो प्रियंका गांधी का जब से ये ट्वीट हुआ है, तब से ही लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो मध्य प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में हुई है, जो धारा 420 और 469 के तहत हुई है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए, ये बीजेपी का कहना है। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार का जिक्र किया था। ये कहा था कि 50% कमीशन भाजपा सरकार के मंत्रियों के द्वारा ली जाती है, और ये लेटर बकायदा प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जो अब वायरल हो गया है। और इसी वायरल लेटर को लेकर प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर कल दर्ज हुई, और इसके अलावा सिर्फ एक जिले में नहीं बल्कि कई जिलों में ये एफआईआर दर्ज हुई है, और इसमें कमलनाथ का नाम भी शामिल है। कमलनाथ के साथ साथ अरुण यादव का नाम शामिल है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो दो धाराओं के तहत, जिसमें 420 और 469, ये दो धाराएं लगी हैं। भ्रष्टाचार के झूठे मामले को लेकर ये बीजेपी का कहना है कि इस तरीके से ट्वीट किया गया, ये झूठ बोला गया है कांग्रेस की तरफ से, जबकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमीशन लेते हैं, और ये कमीशन 50% तक ली जाती है। किसी को भी अपना काम कराना होता है, विभाग में दलाल इस तरह सक्रिय हैं कि 50% की कमीशन दी जाती है और उसके बाद ही काम होता है। कर्नाटक की कमीशन वाली काठ की हांडी, मध्य प्रदेश में चढ़ाने की कवायद में कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा के ट्वीट से भोपाल में बवाल, शहर दर शहर धड़ाधड़ दर्ज हो रही एफआईआर, कांग्रेस नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, एक लेटर बॉम्ब पर हो रही तकरार, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में अनाम संगठन और अनजान ठेकेदार के वायरल लेटर पर मची गदर। इल्जाम है कि शिवराज सरकार सूबे में 50% के कमीशन पर बांटती है ठेके, मगर प्रियंका गांधी से लेकर सीएम उम्मीदवार कमलनाथ के इल्जामों पर क्या है मामा शिवराज सिंह चौहान का जवाब, ताजा है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इसे तत्काल सुनिए। क्यों वहां पर जो सरकार थी बम्बई सरकार, उन पर 40% का एलिगेशन किया था कांग्रेस ने, और हर जगह पोस्टर छपवाए थे। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कोशिश की थी कि 50% वाली सरकार करके पोस्टर छपवाए थे। खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, पूरी दुनिया कहती है, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे, उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे, जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों उन भगवान भरोसा करेगा। जाहिर है जब अपनी सरकार पर वार हो रहा हो, शिवराज पलटवार करेंगे। हालांकि जब कमलनाथ यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री होते थे, उन पर हाईवे निर्माण में 15% कमीशन के गुपचुप इल्जाम लगते थे। आरोप लगाने वाले ठेकेदारों के संदिग्ध संगठन ने भी पहले 15-20% कमीशन की बात की। अच्छा, लेटर बॉम्ब में कमीशन की बाबत लिखा क्या है, पहले ये देख ली। चिट्ठी कहती है, जब से बीजेपी की वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई, तब से लेकर अब तक हम संविदाकारों का जीवन नरक हो गया है। कुछ दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं, जो 50% कमीशन लेकर भुगतान करा रहे हैं। मूल ठेकेदार हमें निविदा में स्वीकृत राशि का मात्र 40% हिस्सा देकर कार्य कराते हैं। कुल स्वीकृत राशि में से 50% राशि कमीशन के तौर पर बंट जाती है। 10% राशि मूल ठेकेदार रखते हैं और शेष 40% में ही हमें कार्य करना होता है और अपना परिवार भी पालना होता है।
चिट्ठी का ये हिस्सा तो शिवराज और बीजेपी की मौजूदा सरकार को लपेट रहा है, मगर उसी चिट्ठी का अगला हिस्सा पूर्व में प्रचलित कमीशन का भी जिक्र करता है, जो दरअसल कमलनाथ के बनाए कथित कमीशन रेट से मिलता जुलता है। उस पर भी गौर फरमाएं। महोदय, पूर्व में 15-20% का कमीशन प्रचलित था, इस पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन 50% कमीशन की मांग हमें गुणवत्ता से समझौता करने और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से की जा रही है। आग्रह है कि पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के जज से कराकर प्रदेश के समस्त लंबित भुगतान कराने की कृपा करें। कमीशन कैसा भी हो, कोई भी ले रहा हो, मगर प्रचलन में हो तो खतरनाक है। यहां बात कमलनाथ की नहीं, शिवराज की मौजूदा सरकार की है। इल्जाम उस पर है तो लेटर सामने आते ही प्रियंका गांधी ने उसे ट्वीट किया। प्रियंका ने बगैर किसी पड़ताल के मौके पर चौका मारा। मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है। प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। प्रियंका से पहले इसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया था। प्रियंका के बाद जयराम रमेश भी मैदान में थे। मजे की बात यह कि कांग्रेस के हर नेता ने कर्नाटक की नजीर दी है। कांग्रेस के इस एक्शन पर मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी दोनों रिएक्शन मोड में नजर आए। अब इससे कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा करो, आप कितनी घृणित राजनीति करती है, कितनी झूठ पे आधारित राजनीति कांग्रेस वर्तमान के समय में मध्य प्रदेश पर कर रही है। और एक बात भी सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान में कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर। और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्यवाही के लिए, और ये गंदी राजनीति बंद करो। अब तक बीजेपी ने प्रदेश के 4 बड़े शहरों में FIR दर्ज कराई है। FIR में प्रियंका वाड्रा, कमलनाथ, अरुण यादव के नाम दर्ज कराए गए हैं। लेटर वायरल होने और प्रियंका के ट्वीट पर देर तक खामोश रहे कमलनाथ तब सामने आए जब धड़ाधड़ FIR दर्ज होने लगे। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? अगर प्रधानमंत्री मोदी भी आए, फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा पर जो FIR दर्ज हुई है, उसके बाद से लगातार अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे गलत बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं। कमलनाथ पर ये FIR दर्ज हुई है, और ये FIR दरअसल इस बात को लेकर हुई है, प्रियंका गांधी ने जो लेटर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था जिसमें ये कहा था कि कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो सक्रिय हैं, जो 50% तक कमीशन लेकर भुगतान कर रहे हैं, और ये सीधे सीधे भाजपा सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगा थे, और बकायदा ये पूरा लेटर पोस्ट किया गया। लेकिन इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से जांच करवा ली गई है, एजेंसीज की मदद से ये जांच करवाई गई है, और जांच के बाद ये क्लियर हो गया है कि ना तो ऐसा कोई व्यक्ति है, ना तो ऐसा कोई संगठन है जिसकी तरफ से इस तरीके से ये लेटर, जिसकी तरफ से लिखा गया है। इसके अलावा इस पूरे लेटर को लेकर सियासत दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक चल रही है। मध्य प्रदेश में पूरा सियासी
पारा इस वक्त गर्म है क्योंकि प्रियंका गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि इंदौर भोपाल तमाम जिलों में एफआईआर दर्ज हुई है। और प्रियंका गांधी पर क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है जिसके बाद से कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे विधायक सांसद जो इस वक्त इस पूरे लेटर को लेकर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इसी तरीके से काम होता है, मध्य प्रदेश में इस तरीके से कमीशन लेकर ही काम होता है, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने का ये दावा किया है बीजेपी ने 50% कमीशन वाले इसी ट्वीट को लेकर, लगातार अब सियासत गर्मा रही है। तो ये वही ट्वीट है जो ज्ञानेंद्र अवस्थी इस शख्स के नाम से ये लेटर लिखा गया, लेकिन शिवराज सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच करवा ली गई है, ना तो ऐसा कोई व्यक्ति है ना ही ऐसा कोई संगठन है और इसी को लेकर लगातार जो राजनीति गर्मा रही है। दरअसल इसका पूरा असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में क्या ये लेटर या इस लेटर को लेकर जो राजनीति हो रही है वो किसी तरीके से भी चुनावों पर कोई असर छोड़ पाएगी, ये देखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।